इकोलॉजी स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम ये क्या होता है, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरमेंट, जीव जंतु और उसके साथ में जो भी उसके आसपास जो भी वातावरण है उनमें किस तरीके से इंटरेक्शन होती है, आदान प्रदान होता है चीजों का, उसको हम इकोलॉजी या फिर इकोसिस्टम बोलते हैं। सर बोलिए। दिख रहा है? ये इकोलॉजी सर नीचे वाला ऊपर कर दीजिए थोड़ा, नीचे नहीं दिख रहा। यहां तक का दिख रहा है? नहीं सर, नेचुरल तक दिख रहा। हाँ ठीक है, बस उसके नीचे कुछ नहीं है। इकोलॉजी या इकोसिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग, और उसके बाद जो सराउंडिंग है, एनवायरनमेंट है, वो दो तरीके का हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग, जैविक और अजैविक। लिविंग जो है उसको हम बायोटिक बोलते हैं और नॉन लिविंग है उसको एबायोटिक। लिविंग में क्या होंगे, अदर ऑर्गेनिज्म। अगर मेरी इकोलॉजी स्टडी करनी है या आपकी ह्यूमन बीइंग की, मतलब की एग्जांपल लेते हैं हम ह्यूमन बीइंग से इसका, ह्यूमन बीइंग है उसके चारों तरफ लिविंग कौन कौन सा एनवायरनमेंट हुआ, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे लिविंग एनवायरनमेंट हुआ उसका। और नॉन लिविंग कौन सा होगा, सनलाइट या फिर टेम्परेचर। एयर, वाटर और टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है, लैंड मास किस तरीके का है। इन सब चीजों पे कोई भी ह्यूमन बीइंग है, कोई भी इंसान है, उसकी ग्रोथ या किस तरीके से वो खाएगा पिएगा रहेगा वो डिपेंड करता है। और वो किस तरीके से खाएगा पिएगा रहेगा वो किस इंटरेक्शन के थ्रू होती है, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी पूरा हमारे इकोसिस्टम है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक तो आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। जो प्रकृति है, जो भी चीजें हैं हमारे सामने, वो नेचुरल है। वहीं जू जो है, चिड़ियाघर, वो एक आर्टिफिशियल है, या फिर तालाब है, पौधे
पॉन्ड भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो नेचुरल बना हो और एक हम खुद गांव वगैरह में झोड़ बना लेते हैं, जो वो खुद आदमी ने बनाया है तो इसीलिए वो आर्टिफिशियल हुआ, कृत्रिम, और नेचुरल प्राकृतिक। अब इसमें जो सबसे मेन इंटरेक्शन आती है वो आती है फूड की, कि खाना हम कैसे लेते हैं, तो उसमें एक शब्द आता है फूड चेन या फिर फूड वेब। खनिज श्रृंखला हिंदी में बोलते हैं हम उसे, खाद्य श्रृंखला या खनिज श्रृंखला। कोई भी भोजन किस तरीके से लेता है, या तो खुद से बनाता है जैसे कि प्लांट्स हैं, प्रकृति में प्लांट्स हैं जैसे वो ऑटोट्रोप्स हैं, खुद से खाना बनाते हैं, और जो किसी और से लेते हैं वो हेटरोट्रोप्स होते हैं। अब हेटरोट्रोप्स में भी दो आ जाते हैं, कार्निवोरस मांसाहारी और हर्बीवोरस वेजिटेरियन जिसे हम बोलते हैं, और जो दोनों होते हैं कार्निवोरस भी होते हैं और हर्बीवोरस भी होते हैं उनको बोलते हैं हम ओमनीवोरस। अब इसी तरीके से सबसे पहले जो फूड चेन बनती है हमारी उसमें होते हैं प्रोड्यूसर्स, जैसे कि प्लांट्स हैं हमारे, ऑटोट्रोप्स होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि होते हैं हर्बीवोरस, घास खाते हैं, गायें हैं, भैंस है, या जितने भी जानवर इस प्रकार के हैं जो प्लांट्स को खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो उन एनिमल्स को खाते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और उन भी को अगर उससे ऊपर भी कोई एक स्टेज आती है, जैसे कि चूहे ने सांप को खाया और सांप को किसी नेवले ने खाया, तो नेवला जो हो गया वो टर्शरी हो गया, टर्शरी कंज्यूमर। और उसके बाद स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं, चील, ईगल, वल्चर, जो कि मर जाने के बाद सड़ा हुआ जो चीजें हैं वो खाते हैं, मरने के बाद खाते हैं। और उसके बाद आते हैं डीकंपोजर्स, जो कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो क्या करेंगे, जितनी भी सड़ी गली चीजें जो बच गई हैं
उनको डीकम्पोज कर देंगे, खत्म कर देंगे धीरे 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 धीरे, और जमीन में फिर से मिला देंगे, और वहां से फिर से सर्कल शुरू हो जाएगा प्लांट्स में। वो जो जमीन में उसने मिला दिया सब चीजों को, वो मिलने के बाद प्लांट्स ले लेंगे उन्हें, और प्लांट्स उससे खाना बनाएंगे, और फिर प्लांट्स को प्राइमरी खा लेंगे, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहेगा। अब फूड चेन और फूड वेब में क्या है, ये मैंने एक फूड चेन बताई है, लेकिन क्या होता है, घास को ही गाय भी खाती है और भैंस भी खाती है, तो क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी दो हो गए। फिर गायें आई, गायें को शेर भी खा सकता है, चीता भी खा सकता है, बाघ भी खा सकता है, और बाकी मगरमच्छ भी खा सकता है, तो वो उससे अलग तीन में डिवाइड हो गई। तो जो ये चेन मैंने बना के दिखाई है, जी एक सर। से दो में, दो से चार, चार से आठ, ये फूड वेब बोल देते हैं इसे हम। जी सर। जी सर, ये वाला लिख लो। हो गया है? ये वाला लिख लिया? अरे इसके बाद हमारा आता है प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंड। क्या होता है, कोई भी जमीन है खाली, उसमें सबसे पहले कुछ जीवाणु उगेंगे, फिर थोड़े बहुत प्लांट्स उगेंगे प्राइमरी, और फिर उससे ऊपर और प्लांट्स उगना शुरू होंगे बड़े। तो क्या होता है, जब सबसे पहली बार किसी जमीन पे कोई भी जैविक चीज उगे, उसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। और सेकेंडरी सक्सेशन क्या हो जाती है, कोई भी एक जमीन का टुकड़ा है, कोई आइलैंड है, अंडमान निकोबार ही लगा लो, उस पे पहले पेड़ वेड़ और जीव जंतु रह रहे हैं, ठीक है, सुनामी आ जाती है और वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं। वो खत्म हो गई, लेकिन फिर 10-12 साल में धीरे 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 फिर से ग्रोथ होनी शुरू हुई चीजों की। सर इसका हिंदी मतलब बता दीजिए सर। हाँ हिंदी बता देता हूँ, फर्स्ट जो सबसे पहले ग्रोथ हो रही है उसको हम प्राइमरी बोल देंगे, और जो खत्म होने के बाद फिर से आ रही है उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन, हिंदी में इसका नाम होता है सक्सेशन का। हाँ सर एग्जांपल दे दीजिएगा। हाँ प्राथमिक अनुकरण,
और द्वितीय अनुकरण। सर जब हमारी पृथ्वी पे सबसे पहले जो जीव जंतु उगे थे वो प्राइमरी सक्सेशन थी, या क्या हो आपको भी पता है कि जियोग्राफी में पढ़ोगे कि कोई ना कोई लैंड मास, जमीन का टुकड़ा जमीन से ऊपर की तरफ टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ऊपर आ जाता है समुद्र से ऊपर, जैसे कि कोई आइलैंड आ गया, नया आइलैंड बनने लग गया, जैसे न्यूजीलैंड बना है, ऑस्ट्रेलिया भी उसी तरीके से बना है। तो वहां पे जो सबसे पहली बार जीव जंतु आएंगे उन्हें हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं, प्राथमिक अनुकरण। और वहीं क्या हो, अंडमान निकोबार का ही मैंने एग्जांपल दिया, अंडमान निकोबार पे अभी है, प्रेजेंट है सब कुछ, जीव जंतु है, प्लांट है, सब कुछ है। वो सुनामी की वजह से खत्म हो जाए या भूकंप की वजह से सब कुछ खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, लेकिन जैसे जैसे समय आए बढ़ेगा उसके साथ ऑर्गेनिज्म फिर से ग्रो होना शुरू होंगे। पहले प्लांट्स, पहले एल्गी वगैरह, लीचन वगैरह उगेंगे, और उसके बाद छोटे प्लांट्स उगेंगे, बैक्टीरिया वगैरह उगेंगे, और फिर और बड़े प्लांट ट्री उगेंगे, और उसके बाद फिर ह्यूमन नेचर या फिर और बड़े एनिमल्स आना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे धीरे। तो वो जो डिजास्टर के बाद होता है उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। तो इसीलिए इकोलॉजी में हमेशा जो इंटरेक्शन के थ्रू सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन होती है और फिर सेकेंडरी सक्सेशन होती है। ठीक है, अब इसमें इकोलॉजी में हमने बात की एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट में क्या क्या आएगा, एयर लैंड। एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर वाटर से, और टोपोस्फियर। एयर में चार लेवल आएंगे हमारे, सबसे पहले 12 से 20 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको टोपोस्फीयर बोलते हैं, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर 80 किलोमीटर तक, और 80 से 120 से 140 किलोमीटर तक मीजोस्फीयर, और उससे बाहर थर्मोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। सर इससे क्वेश्चन किस टाइप बनते हैं? इससे क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा आपका कि जितनी भी हमारी लिविंग साइकिल्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो टोपोस्फीयर में होते हैं, 8 से 12 किलोमीटर के अंदर ही होती है सारी चीजें। और दूसरा इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि टोपोस्फीयर में टेम्परेचर ऊपर जाएंगे हम तो घटेगा या बढ़ेगा, यहां पे टेम्परेचर हमारा रिड्यूस होता है, जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, लैप्स रेट बोलते हैं इसे। उसके बाद यहां पे बढ़ता है और फिर
घटता है और फिर से बढ़ेगा, कम ज्यादा इस तरीके से होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें जितने भी हम ये बात बोलते हैं टोपोस्फियर की कि ऑक्सीजन 21% है, जी सर, तो वो जो हम कंसंट्रेशन बताते हैं वो टोपोस्फियर की बताते हैं। अब दूसरा एक और क्वेश्चन इससे आता है आपका, ओजोन लेयर कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फियर में होती है। सेकंड जो लेयर है स्ट्रेटोस्फियर में होती है ओजोन लेयर। नाइट्रोजन 78 और जो बाकी बचा हमारा अदर गैसेस। एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि मेसोस्फीयर में टेम्परेचर क्यों जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसमें क्यों टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है? ये आयंस की वजह से होता है, फ्री आयंस होते हैं इसमें, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो इसी से, इसीलिए इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं। सर कोई गैस कितनी ऊंचाई तक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जाते हैं ना? क्या मतलब सर गैस कितनी ऊंचाई तक है, जैसे वहां पे लिखे हैं 80 किलोमीटर। देखिए मेन जो हम कंसंट्रेशन बोलते हैं वो ट्रोपोस्फीयर में सारी कंप्लीट हो जाती हैं, ट्रोपोस्फीयर, ठीक है जी सर, इसी में कंप्लीट हो जाती हैं। आउटर सरफेस में जो होती हैं वो बहुत माइन्यूट गैसेस होती हैं और एक्सोस्फीयर में आके सब कुछ खत्म हो जाता है, स्पेस बच जाता है, ठीक है। लिख लिया ये? उसके बाद आता है हमारा हाइड्रोस्फीयर, जो पानी जितने भी हैं, तालाब हैं, समुंदर हैं, नदियां हैं, वो सारे हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। ये वाटर साइकिल से रोटेशन होती है, इनकी प्यूरिफिकेशन या जिस तरीके से भी काम करते हैं। तो वाटर साइकिल क्या होता है? इवेपोरेशन होगी या फिर ट्रांसपीरेशन होगी प्लांट्स के थ्रू। प्लांट्स के थ्रू ट्रांसपीरेशन होगी और नॉर्मल जो वो है समुंदर से या किसी चीज से इवेपोरेशन होगी, वो क्लाउड्स फॉर्मेशन होगी, क्लाउड से रेन होगी और फिर से पानी नीचे आ जाएगा और इस तरीके से वाटर साइकिल चलता रहता है हमारा। और इसमें आपकी जो नोट करने वाली चीज है, टोटल वाटर सरफेस कितना है हमारा अर्थ पे 70% है, लेकिन टोटल पानी जो प्योर वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ 2-3% है, जो कि मैक्सिमम ग्लेशियर्स में है, आइस फॉर्म में है, एंटार्कटिक आर्टिक में और बाकी हिमालयस पे। यानी कि टोटल जो हमारा पानी हम जो यूज कर सकते हैं पीने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 0.1% बच जाता है।
इसके बाद तुम्हारा आता है पोल्यूशन का, सबसे पहले तो पोल्यूशन क्या चीज होती है? किसी भी चीज की मात्रा जरूरत से कम या ज्यादा हो उसे पोल्यूशन कहते हैं। जैसे कि एयर पोल्यूशन का एग्जांपल लें हम, ये दोनों ही कंडीशन पोल्यूशन की है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 28% हो जाए तो वो भी पोल्यूशन ही कहलाया जाएगा, और ऑक्सीजन 18% हो जाए तो वो भी पोल्यूशन ही कहलाया जाएगा, क्योंकि नेचुरली जो एनवायरनमेंट में रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 21% की है। तो जो ये एक्स्ट्रा चीज हुई इनको हम पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, जो पोल्यूशन करें वो पोल्यूटेंट्स। अब एयर पोल्यूशन सबसे पहले आता है तो किस किस कारण से होता है ये आपको इसमें याद रखने हैं कि सोर्सेज कहां से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, और उसके प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं हम, क्योंकि स्टेटमेंट में आपके इसके क्वेश्चंस बनते हैं कि ये करेंगे तो क्या एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, ये करेंगे तो एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा या नहीं होगा। सर जो बताया सर या O2 मतलब 28 जो होगा वो मतलब पोल्यूशन हो जाएगा सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 18 दोनों सर, 18 में फर्क नहीं पड़ेगा सर। मैंने बोला दोनों कंडीशन जो हैं ये पोल्यूशन की हैं, पोल्यूशन की है सर। मैंने बोला 28 में भी पोल्यूशन होगा और 18 में भी पोल्यूशन होगा, ठीक है। किसी की भी जरूरत से कम या ज्यादा होना वो पोल्यूशन है। अभी जो कंडीशन हो रही है हमारी ग्लोबल वार्मिंग की या जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो कम हो रहा है, O2 इसी वजह से तो प्रॉब्लम आ रही है ना, CO2 की वैल्यू बढ़ रही है और O2 की वैल्यू कम हो रही है। कम कंसंट्रेशन होगा वो तो हो सकता है कि ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो, 18% में प्रॉब्लम होने, 28% में तो फर्क नहीं पड़ेगा सर। क्यों नहीं पड़ेगा? वो तो ऑक्सीजन है प्योर, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हो गई तो कोई ना कोई चीजें रिड्यूस होंगी, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड ही कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई, ऑक्सीजन बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गई, तो प्लांट्स को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। सर O2 अगर O2 अगर बढ़े, अरे यार O2 अगर बढ़ेगा सर तो CO2 कम होगा ना, CO2 भी कम होगा, वही तो बता रहा हूँ, अगर CO2 कम हो जाएगा, O2 बढ़ गया CO2 कम हो गया तो क्या होगा, प्लांट्स को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। प्लांट्स को प्रॉब्लम आनी शुरू हुई तो हम कुछ खा पी नहीं पाएंगे, प्लांट्स ही तो हमारे हमें भोजन प्रदान करते हैं ना जी सर, तो वो साइकिल सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो एज पर रिक्वायरमेंट चीजें होनी चाहिए, जितनी जरूरत है उतनी ही होनी चाहिए, उससे कम में भी पोल्यूशन है और ज्यादा में भी पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर। अब कहोगे कि एग्रीकल्चर में कैसे, जैसे जैसे जितनी ज्यादा हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं उसी तरीके से मीथेन CH4 निकलती है वहां से, और मीथेन ज्यादा निकलेगी तो एयर पोल्यूशन होगा, जितनी जरूरत है एटमॉस्फेयर में मीथेन की उससे ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगी उसकी, तो ज्यादा एग्रीकल्चर करना, खेती करना वो भी एक पोल्यूशन का रीजन है। यहां आपको एग्जाम में फंसाया जाता है,
यहाँ आपका क्वेश्चन आएगा कि एग्रीकल्चर इज अ रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग और नोट एक्सेस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ये आएगा आपका, तो आप ना करके आओगे लेकिन उसका आंसर होगा यस। और दूसरा प्रश्न आएगा विच ऑफ द वन गैस इज रिलीज्ड बाय एग्रीकल्चर, मीथेन CH4, ठीक है। और प्रिवेंशन के का कैसे बचा सकते हैं, एक्सेस की जितनी भी चीजें हैं, ट्रैफिक को कम करना है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करें जो कि पोल्यूशन नहीं करती हैं, पेट्रोल का प्रयोग कम करें, डीजल का प्रयोग कम करें कि जिनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फिर ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है वो कम करें। अब इसी में आपका आता है, पहले ये थोड़ा सा देख लो, वॉटर का, वॉटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव मेटीरियल जितने भी हमने केमिस्ट्री में पढ़े थे उनकी एक्सेस हो जाए और रेडिएशंस निकले उनको रेडियो एक्टिव, और इलेक्ट्रॉनिक या फिर ई वेस्ट सब यूज करते हैं, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप टैबलेट्स वगैरह यूज करते हैं, और इनके जो प्रोडक्ट्स निकलते हैं बचते हैं वो डीकम्पोज जल्दी से नहीं होते हैं, जमीन में नहीं मिलते हैं आसानी से, और उनकी वजह से जो वेस्ट बनता है वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोलते हैं उसको, और उसकी वजह से जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उसको ई वेस्ट पोल्यूशन बोल देते हैं, और वहीं फिर लैंड पोल्यूशन। नॉर्दर्न रीजन में पंजाब हरियाणा में एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड की वजह से लैंड पोल्यूशन हो रहा है। सर जैसे वेव्स हो गया, रेडियो वेव्स, ये सब पोल्यूशन में आएगा क्या सर? अगर वो जरूरत से ज्यादा हो जाए वो रेडियो एक्टिव में आएगा, लेकिन जैसे इसीलिए हमारे टेलीकॉम ट्राई ने एक कंडीशन लगाई है कि इतनी इससे ज्यादा एक टावर से रेडिएशंस नहीं निकलनी चाहिए, और इसीलिए उनको टेलीकॉम कंपनीज को थोड़ा लॉस होना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें पहले 4 टावर लगाने की बजाय अब 8 टावर लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी उन्होंने रेडिएशन की स्ट्रेंथ कम कर दी है। सर तो फिर जिसका घर के ऊपर टावर है उसको तो फिर हार्मफुल है थोड़ा? हार्मफुल बिल्कुल है सर जी। हाँ जी सर, ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। वही मैं आ रहा था आपका, जल्दी मत कीजिए कि मैं वही कह रहा था, पहले एक बार ये देख लो आप कि ये चीजें, ताकि इसको मैं रब कर दूं, इसके बाद आपका वही आ रहा था ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस, दोनों चीजें आपसे पूछी जाती हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, वो एक वेवलेंथ की रेडिएशंस को आने तो देता है लेकिन बाहर नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस को अपने अंदर रोक लेता है, वो अपने अंदर टेम्परेचर को बढ़ा देता है, उसको हम ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बोलते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है जो ये फिनोमिना करती हैं, सर? हाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रोसेस को बताइए ना सर। रेडिएशंस आई पहले और उसने वेवलेंथ उसकी कम हो गई, पहले एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से आई और फिर जो दूसरी वेवलेंथ उसी कन्वर्ट हुई, एब्जॉर्प्शन के बाद जो रेडिएशंस निकली हैं उसको वो ट्रैप कर लेता है। जब ये स्ट्राइक करके वापिस जाने की कोशिश करती हैं ये एग्जिट नहीं करने देता है, और इसके अंदर रेडिएशन इकट्ठी होती रहती हैं और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इसका।
जैसे कि ओजोन है, ओजोन भी एक तरीके से एक पर्टिकुलर रेडिएशंस को आने देती है और वहीं अल्ट्रा वायलेट रेज को नहीं आने देती। सर तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था सर, हाँ तो जो हुआ था सर कि एक शीशा का ग्लास पैकेट ग्लास शीशे का, हाँ हाँ, तो उसके अंदर क्या हुआ था वही जानना है सर। क्या सबसे पहले उन्होंने कहाँ ऑब्जर्व किया था? हाँ, हुआ वहां नहीं था, एब्जॉर्ब उन्होंने ऑब्जर्व वहां पे किया था। क्या हुआ था, एक ग्लास के अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत टेम्परेचर बाहर का ज्यादा था लेकिन अंदर का बढ़ना शुरू हो गया। जब उन्होंने थोड़ी बहुत रेडिएशन देनी शुरू की तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया लेकिन बाहर का टेम्परेचर कम रहा। वो किस फिर उन्होंने देखा कि ये क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग में उन्होंने ग्रीन ग्लास का यूज किया था, इस वजह से उसका नाम ही ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया। और सर जो उसका जो हाउस होता था ग्लास का, उसके अंदर सर ग्लास मेम्ब्रेन, ये डिपेंड करता है कि कैसी मेम्ब्रेन है। तो ग्लास ये प्रॉपर्टी शो करता है, इस वजह से उसको ग्लास में सबसे पहले एब्जॉर्ब किया था, ऑब्जर्व किया था हमने, ठीक है। ऐसे ही गैसेस भी सेम फिनोमिना को शो करती हैं कि वो एक टाइप की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें और दूसरी को निकालने दे। वो कौन कौन सी हैं? ये छह मेन गैसेस हैं। ये छह की छह आपको याद होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करती हैं और कौन सी नहीं करती हैं। तो CO2, मिथेन, वाटर वेपर्स, यहां आपको फंसाते हैं वाटर वेपर में। वाटर वेपर आएगा आपका H2O वेपर्स, ये चार में से एक ऑप्शन होगा। लेकिन आपको लगेगा नहीं ये कैसे हो सकता है, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करता है वाटर वेपर्स भी, वो भी हीट को ट्रैप करते हैं वाटर वेपर्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें एक और चीज ध्यान रखने की है कि सबसे कम इफेक्ट कौन सा शो करती है और सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा शो करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम करती है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे ज्यादा करती है। और सर वो क्या लिखे सर, वो N2O की सिर्फ N है सर, NNXO, क्योंकि N2O भी हो सकता है और NO भी हो सकता है। और सर ये जो है HCFCs, इसका क्या फुल फॉर्म हुआ सर? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सर जो ग्रीन हाउस होता है सर, उसके अंदर छोटा छोटा पेड़ लगाया जाता है सर। हेलो सर, वहां पे नॉर्मल टेम्परेचर अगर 20 डिग्री है, प्लांट्स उगाने हैं हमें 30 डिग्री पे, तो क्या करेंगे वो हाउस बना लेंगे हम, ताकि अंदर टेम्परेचर बढ़ जाए और बाहर 20 डिग्री रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ लगाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है सर? पेड़ लगाने से नहीं है, वो गिलास जो आउटर गिलास लगा रहे हैं उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है, प्लांट लगाने से नहीं। प्लांट तो हमें लगाने हैं 30 डिग्री पे, तो उसके अंदर का टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है, तो बाहर गिलास लगा देंगे तो वो टेम्परेचर हीटिंग से ट्रैप करता रहेगा। वो गिलास जो है वो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, प्लांट नहीं। ओके सर, ठीक है। हमें उगाने हैं वहां सर। उसमें सर ग्लास ही क्यों यूज करते हैं सर, अदर चीज क्यों यूज नहीं करते हैं सर? क्योंकि हर कोई जो ये प्रॉपर्टी है हर मटेरियल शो नहीं करता है, गिलास भी पर्टिकुलर टाइप के ग्लासेस ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब ये ऑक्सीजन, मैंने ये बताए आपको गैसेस जो शो करती हैं ये प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट शो नहीं करती हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, तो वो एक पर्टिकुलर मटेरियल प्रॉपर्टी शो करता है और कुछ नहीं करते। दो और चीजें इसमें याद रखनी है आपको, एक तो स्मोग, स्मोग और फोटोकेमिकल स्मोग। स्मोग में क्या होता है, स्मोग ये धुआं
प्लस में फोग धुंध, सर्दियों में क्या होता है वाटर वेपर्स होते हैं धुंध की वजह से, उनमें जो धुआं है जो एयर पोल्यूशन निकला है हमारा वो मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से स्मोक फॉर्मेशन हो जाती है जो कि स्मोक से ज्यादा खतरनाक होता है, धुएं से ज्यादा खतरनाक स्मोक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये फेफड़ों में चिपक जाता है जाके और बाहर नहीं निकल पाता आसानी से। और फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, जब कहीं पोल्यूशन हाई लेवल है और धूप पड़ रही है उस पे तो क्या होता है O2 O3 में कन्वर्ट हो जाती है ओजोन और फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं कुछ। नाइट्रोजन के फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से, देखो ओजोन वैसे सही है लेकिन टोपोस्फियर में ओजोन एक पोल्यूटेंट का काम करती है, पोल्यूशन करती है, और यही ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फियर में हो तो हमें फायदेमंद है क्योंकि वहां पे जरूर चाहिए हमें। ये समझ आए पोल्यूशन का डायरेक्ट एग्जांपल? और ये जब रेडिएशन उन पे पड़ती है केमिकल्स पे, नाइट्रोजन पे या फिर ऑक्सीजन पे हाई, तो उसकी वजह से ओजोन फॉर्मेशन होने लग जाती है और रेडिकल्स, नाइट्रोजन के रेडिकल्स बनते हैं जो कि बॉडी पे इरिटेशन शुरू कर देते हैं, आंखें जलने शुरू हो जाती हैं, स्किन में बर्निंग शुरू हो जाती है, जलन शुरू हो जाती है, उसको हम फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। उसके बाद वाटर पोल्यूशन, पानी में कोई भी एक्स्ट्रा चीजें आ जाएं, गंदगी बढ़ जाए या प्लांट्स भी एक्स्ट्रा आ जाएं तो वो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। इसमें जो सिर्फ आपको एक चीज याद करनी, वैसे वाटर पोल्यूशन का सबको पता है कि फैक्ट्रीज की वजह से और उन सब की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, किन किन चीजों की वजह से होता है और कैसे बचा सकते हैं, वो एक नॉर्मल सी चीज है, वो कर सकते हो आप। इसमें जो एक फिनोमिना याद रखने का है और जिससे आपका क्वेश्चन आता है रेगुलर, वो आता है यूट्रिफिकेशन से। हिंदी में इसको बोलते हैं हम इसमें क्या चीज होती है, कोई भी लेक है उसमें एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक मटेरियल आ जाए, तो क्या होगा, इसमें जो प्लांट्स उग रहे हैं, पौधे वगैरह उग रहे हैं, वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है उनकी। एक्स्ट्रा ग्रोथ शुरू हो गई तो अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ शुरू हो जाएगी तो प्लांट्स ही उस तालाब को पूरे को भर देंगे और वो तालाब सुकड़ जाएगा या खत्म हो जाएगा। जो तालाब है वो घट जाएगा। जो ये प्रोसेस होता है इसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। नेचुरल और आर्टिफिशियल डिके ऑफ वाटर बॉडी, किसी भी पानी की जो बॉडी है,
तालाब है, नदी है, नहर है, उसका खत्म होना किस वजह से? ड्यू टू ऑर्गेनिक मटेरियल, जैविक चीजों की वजह से, ज्यादा होने की वजह से वो जैसे जैसे खत्म होनी शुरू हो जाए उसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। ये डायरेक्ट डेफिनेशन आपसे बार बार पूछी जाती है। सर ठीक है ये? हाँ सर थोड़ा लिख रहे हैं, बोल दिए हैं, लिख रहे हैं। लिख लिया? एक ओजोन लेयर की ये चीज याद रखनी है आपको कि विंटर में ओजोन होल जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि टेम्परेचर घट जाता है, और ठंड में फोटोकेमिकल रिएक्शन बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्री रेडिकल्स की जनरेशन बढ़ जाती है। किस वजह से? क्योंकि सरफेस मिल जाता है उन्हें रिएक्शन करने का। फोटोकेमिकल रिएक्शन समझ नहीं आया सर, क्या होता है इसमें? क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन? उसमें क्या होता है? क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं उसमें, Cl2 टूट के Cl रेडिकल और Cl रेडिकल बन जाते हैं, वो फिर से नेक्स्ट ClO के साथ फिर से रिएक्ट करेंगे और क्या होगा? O2 बन जाएगा और Cl रेडिकल बन जाएगा। वो फिर से ClO के साथ रिएक्ट करेंगे और Cl रेडिकल बन जाएगा और O2 बन जाएगी। इस तरीके से ये रिएक्शन चलती रहती है, चेन रिएक्शन। हेलो सर। हाँ हम लोग कुछ नहीं लिखे थे सर, आवाज रुक गया था थोड़ा देर के लिए, आप पूरा मिटा दिए सर, क्रॉप कर दिए सर। रुक गया था? हाँ पूरा नेट स्लो था, रुक गया था सर, और जैसे आप आए सर पूरा बोर्ड रफ कर दिए सर। कहाँ से आपने मतलब रुका था फोटो, कहाँ रुकी सर? ये सर, सर हमारी संपर्क आपसे टूट गए थे सर। कहाँ पे, किस पॉइंट पे टूटी है, मैं वही पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो पता नहीं लग रहा ना मुझे। आपने ओजोन वाला लिखा? हाँ सर वो लिख लिया सर। ठीक है ओजोन वाला, उसके बाद यही लिख रहा हूं मैं, ठीक है।
अरे सर सर हेलो सर, हाँ हाँ फोटो केमिकल रिएक्शन लिखा था ना सर, एक्स्ट्रा फ्री जो लिखा था वो छूट गया हम लोग का। अच्छा क्या है ये सीएल रेडिकल बनाती है और ऑक्सीजन O2 बनाएगी, तो ये जो सीएल रेडिकल आया है वो फिर से O3 के साथ रिएक्ट करेगा और O3 के साथ रिएक्ट करके ClO फिर से बना लेगा और O2 बना देगा, फिर यहां से फिर से रेडिकल जनरेट होगा और फिर वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और ये चेन चलती रहती है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती रहती है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है सर, तो फिर इसलिए होल इंक्रीज हो जाता है सर, वो क्यों होता हाँ, है? ओजोन को डिप्लीट कर रही है ना वो बार बार, O3 कन्वर्ट हो रहा है O2 में, तो ओजोन खत्म हो रही है, ओजोन कम होगी तो वहां से ओजोन चली जाएगी तो ओजोन होल हो जाएगा। किसी भी चीज का खालीपन होल हो गया। ठीक है सर, ये टेम्परेचर डिक्रीज करता है विंटर में, तो होल हाँ इंक्रीज क्यों कर जाता है समर में? मैंने वहां उसके बाद में लिखा था कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, यही नहीं लिखा था? ओके सर, थैंक यू। ये क्लाउड्स बनते हैं उनके ऊपर वो सरफेस सरफेस प्रोवाइड कर देता है उसे। ये टर्म्स आपसे पूछी जाती हैं कि ये क्या चीजें होती हैं। सिंबोसिस होता है सहजीवन, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कोई भी दो जीवाणु हैं, कोई भी दो जीव हैं, कैसे एक इंसान दूसरे इंसान को मदद कर रहा है, यानी दोनों को फायदा हो रहा है, वो सहजीवन है। पैरासाइटिक क्या होता है? परजीवन। इसमें क्या होता है? एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। उसके बाद कॉमनेलिज्म, उसमें क्या होता है? दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अपने जीवन जीते रहते हैं। कंपटीशन, उसमें क्या होगा? एक को फायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा। और ये सेप्रोफाइटिज्म, मृतजीवन, ये एक को फायदा होगा और एक को कुछ नहीं होगा। कैसे? इसमें और इसमें क्या फर्क है? पैरासाइटिज्म जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होता है और ये डेड पे होता है। ये पैरासाइटिज्म कैसे हुआ? जानवरों को चिचड़ लग जाते हैं, भैंस वगैरह को,
चिचड़ पता है आपके यहाँ क्या बोलते हैं उन्हें, छोटे छोटे भैंसों पे या जानवरों पे कीड़े लग जाते हैं, उनको खून चूसते हैं, हमारे यहाँ पे चिचड़ बोला जाता है उन्हें, ठीक है। तो उसमें चिचड़ जो, हाँ बोलिए, जिसमें दोनों को फायदा नहीं होगा वो क्या होगा? फायदा नहीं होगा क्या मतलब? दोनों को नुकसान होगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव, उसको क्या बोलते हैं? कंपटीशन है, वो दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सर एमेंसलिज्म का क्या होता है? किसमें? एमेंसलिज्म। एमएन ये, हाँ या और कुछ बोल रहे हैं आप? सर यही, सर यही बोल रहे हैं। हेलो सर, है ना? तो क्या हो रहा है पैरासाइटिस में, वो एक को तो फायदा हो रहा है जो खून चूस रहा है, लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है। अब सहजीवन में क्या होता है, दोनों अपनी लाइफ जी रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दूसरे पर, हाँ जी रहे हैं, दूसरे की मदद ले रहे हैं, कोई दूसरे को नुकसान नहीं कर रहे हैं। और सेप्रोफाइटिज्म में क्या रहता है, सेप्रोफाइटिज्म में क्या होगा, डेड होंगे, मृत होगा, उनमें से एक मरा हुआ होगा और एक जीवित होगा, वो मृत से मदद लेगा। और कंपटीशन में क्या होगा, दोनों को नुकसान ही हो रहा है, क्यों रहा है? कोई पांच चीजें हैं, दो आदमी हैं और दोनों की रिक्वायरमेंट चार चार है, आपस में कंपटीशन होगा दोनों का, जैसे कि आप सब भी हो, हैं तो चार ही सीट लेकिन टोटल आप 20 हो, तो आपस में कंपटीशन कर रहे हो, नुकसान ही नुकसान है सबका, वो कंपटीशन हो गया। तो ये टर्म्स आपकी पूछी जाती हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है सर? क्या क्वेश्चन उन लोगों का कैसे बनता है इससे? क्या question? बोल रहे हो, थोड़ा जोर से बोलिए। क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम लोगों का इससे? क्वेश्चन डायरेक्ट आपका पूछा जाता है कि सिम्बोसिस जो है उसमें क्या प्रोसेस होता है, उसमें क्या होगा, टर्म्स ऐसे दी होंगी कि इसमें एक का फायदा होता है, एक का नुकसान होता है, वन ऑर्गेनिज्म विल गेट बी बेनिफिट एंड वन विल गेट लॉस, बोथ विल बी हेल्पफुल, इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट्स दी होंगी, चार स्टेटमेंट दी होंगी। माइनस प्लस यहाँ पे लिखे हुए हैं सर, उसको भी याद, ये माइनस इफेक्ट तो याद करने के लिए है, शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट याद करने के लिए है, वो चीज माइनस प्लस से नहीं आएगा, वो याद करने के लिए आपका। ठीक है, लिख लिया ये? एक आखिरी और एक में एक चीज आती है तुम्हारे, बायो मैग्निफिकेशन। इससे पहले आपको पता होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, हिंदी में इसे हम बोलते हैं
जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जो चीजें एक चीज से टूट के दूसरी चीज में आ जाएं आसानी से बायोलॉजिकली नेचुरली, वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं, और जो ना टूटे जैसे कि प्लास्टिक है, पोलोथीन है, रबर है, वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होती, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे आर्सेनिक है, वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होता, टूटता नहीं है, खत्म नहीं होता है, इसीलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाते हैं। अब बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, कोई भी एक, मैंने आपको फूड चेन बताई है, प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, टर्शरी, और उसके बाद स्कैवेंजर्स। अब जो प्रोड्यूसर है उसने कुछ मिनरल्स लिए, उसमें से एक मिनरल आ गया, एग्जाम्पल एक्स, आर्सेनिक ही ले लो, एक्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसकी मात्रा उसके भोजन में 1% है। अब उस प्रोड्यूसर को पत्ते लगा लो, पत्तों को गाय ने खाया, काऊ ने, जब वो उसको खाएगी तो क्या होता है, 70% एनर्जी लॉस होता है और 30% मास में कन्वर्ट होती हैं चीजें, कंज्यूम होती हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसका 100% टोटल में से 1% था, वो यहाँ जाके 30% बच जाएगा टोटल, लेकिन ये 1% रहेगा। तो ये अगर टोटल में देखें इस वाले में, तो क्या होगा, ये 3 गुना बढ़ गया, टोटल 3% हो गया। ये कैसे समझने की जरूरत, इसको 100 लीटर पानी है या 98 लगा लो ये लीटर पानी, और उसमें 2 लीटर इम्प्योरिटी है। जब ये नेक्स्ट लेवल पे गया तो ये सिर्फ 30% गया, 30% इसका, 98 का 30% क्या होगा, 30 लगा लो राउंड ऑफ करके, 30 लीटर, और ये ऐसा का ऐसा जाएगा, ये 2 का 2 लीटर, ये 30 लीटर हुआ और ये 2 लीटर हुआ। अब इसकी यहां पे ये 2% था, अब इसकी परसेंट निकालो कितनी हुई, 6% के पास, 6% के करीब, तो 2 से 6% हो गया ये। अब उससे आगे अगर हम जाएंगे तो फिर से ये 30 लीटर की बजाय ये पहुंच पाएगा 10 लीटर, ये 2 का 2 लीटर, कितना हो गया ये, 20% बढ़ गया, 2 से 6 और 6 से 20, यानी कि बढ़ रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है। इस चीज को हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए मतलब यार नॉर्मल साइंस का ऑफिशियली आज खत्म हो चुका है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा बात करने की, अगर 1-2 क्लास में आपके जो टॉपिक्स कुछ बचे हैं वो कवर अप हो जाएं, जो छोटे छोटे हैं, नहीं तो आपको नोट्स सबके मिलेंगे, उसकी चिंता मत करो। और जितना आपको चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, वही पोल्यूशन की तरह है, जितना चाहिए वो आपको मैक्सिमम मिल चुका है, तो वो सोचने की जरूरत नहीं है आपको, बेसिक आपका सब कवर हो चुका है, इससे आप कुछ भी कर सकते हो। थैंक यू सर। क्या बोल रहा है कोई? थैंक यू सर, वेलकम। हाँ, वैसे आपको कोई प्रॉब्लम आए या वो हो तो आप मुझे मेल किसी टाइम भी कर सकते हो। ठीक, क्लास का मैंने बताया कि क्लास की एक लिमिटेशन होती है, क्लास में सब बच्चों को देखना पड़ता है और जो मेन सिलेबस है वो कवर करना होता है, किसी को एक्स्ट्रा करना है तो आप मुझे मेल कर दो, वो कल को आप ही क्लास है सर। ठीक है,